14.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आना मुश्किल है एनसीईआरटी में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो हमें लेस देन ऑजी बनाना है, दूसरा इसको फार्मूले से भी सॉल्व करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ब्रेक में आधा आधा क्वेश्चन आ सकता है। या तो इसको लेस देन ऑजी ग्राफ बनाना होगा, या तो हमें इसको सिर्फ फार्मूले से सॉल्व करना होगा, मीडियन निकालना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। एनसीईआरटी में एक लिमिट टाइम होता है हमारे क्वेश्चन करने का, तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, टुकड़े में आ सकता है, आधा आधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को करना भी जरूरी है। ठीक है, कह रहा हमें मेडिकल चेकअप हुआ 35 बच्चों का स्कूल में, उनका वेट नापा गया। कह रहा लेस देन 38 से कम किसी बच्चे का नहीं था, 0। 40 से कम कितने बच्चों का वेट था, 3 बच्चों का कम था। और 42 से 5 बच्चों का कम था। 44 से 9 बच्चों का कम था। 46 से 14, 48 से 28, 50 से 32, अब 52 से 35 बच्चों का वेट कम था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाते हैं, ड्रॉ करना लेस देन ऑजिव ग्राफ, ड्रॉ करना हमें लेस देन ऑजिव। फिर हमें जब लेस देन ऑजिव ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद क्या बोला है, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट। मुझे हेंस जब भी लिख दिया जाए तो उसकी मदद से करना है। किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से मीडियन निकालना है। देखो, सबसे पहले मैं इसको लेस देन ऑजिव ड्रॉ करता हूँ, फिर ग्राफ की मदद से कैसे मैं उसको निकालता हूँ। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उसकी मदद से हम क्या प्लॉट कर लेंगे, प्लॉटिंग। लेकिन हमें सॉल्व करते समय ये तो लिखना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 38। ये हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेस देन 38 कितना दे रखा है, लेस देन 38 0। ठीक है, फिर लेस देन 40 कितना है, 3। तो लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 43। ठीक है, अब हमारे पास कितना दे रखा है, लेस देन 42। लेस देन 42 कितना हमारे पास है, लेस देन 42 हमारे पास है 5। तो यहाँ लिख देंगे लेस देन कितना, लेस देन 42। पहले इसको लिख लेते हैं, लेस देन 44, लेस देन ये लिख लेना तुम ऐसे 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। ठीक है, हमने लिख दें। अब हम यहाँ से देख लेंगे क्या क्वेश्चन क्या हमारा, यहीं से नोट कर लेंगे हम लोग। पहले तो हम ये क्वेश्चन कॉपी में से ही नोट कर लेंगे, सॉरी क्वेश्चन पेपर में से, जैसे हमें दे रखा होगा 14, 28, 32 और 35। ये हमारा हो गया। पहले हमें जो सॉल्व करना है, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा बना दें। अब हम प्लॉटिंग करेंगे, हमारे पास प्लॉट भाई इसको देखिए 38, 0, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, इसको हम पहले प्लॉट ले लेंगे। कैसे करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, 38, 0, 40, 3, 40, 3, फिर 42, 5, 42, 5, फिर क्या हम करेंगे 44, 9, 44, 9, 46, 14। ऐसे करके हम पहले हम लोग बना लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। फिर क्या हो गया 48, 28, 50, 32, 52, 35। ये मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए इसका। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ग्राफ बनाना तो सभी को आता है बच्चों को, ठीक है, ये तो 9th क्लास में सभी बच्चों ने सीख लिया था हमारे। ये देखेंगे तो ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस का 35 तक ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये भी। ठीक है, डॉट 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 लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे जब भी ये इक्वल डिस्टेंस ना हो तो जिगजैग लाइन आपको बताया था मैंने, तो थोड़ी सी लाइन जगह छोड़ के मैं जिगजैग लाइन खींच लूँगा। बताता हूँ जिगजैग लाइन हम क्यों खींचेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं पहले तो गैपिंग बराबर बराबर, और इसमें जिगजैग लाइन खींचेगी। क्यों खींचेगी ये भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो ये मेरा एक्स हो गया,
ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता है। देखो ज़िगज़ैग लाइन क्यों खींचेगी, क्योंकि देखो हमारा जो गैपिंग है वो 38 से है, जब ओरिजिन जीरो से लेके पहला गैपिंग उतना नहीं आता, फिर बार बार हम देखो कितना करें 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ये हम देखें कितने कितने 2-2 का गैप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ से तो पहली बार में तो हमने 2 का गैप नहीं लिया था, अगर हर बार 2-2 का गैप ऐसे लिखते रहते तो हमें ज़िगज़ैग लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी हम ऐसा लेते हैं तो हमें ज़िगज़ैग लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसे किंग बोलते हैं। ये बनाना कंपलसरी, अगर नहीं बनाया गया तो मार्क्स कट जाएंगे हमारे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कितना होगा, अब हम इसको कितना कितना गैपिंग ले लेते हैं, 5-5 का गैप ले लेते हैं, क्योंकि 35 तो मैक्सिमम ही था हमारे पास। अब हमारे पास कितना 38 से 0, ये रहा, ये एक्स एक्सिस होता है। फिर दूसरा कितना 40 से 3, कितना 40 से 3, 40 से 3 हमारा यहाँ आएगा, 5 से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, 40 से 3। फिर हमारा 42 से 5, जरा इसकी लाइन में जाएगा 5, 42 से 5 ही आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 44 से 9 है, तो 9 हमारा ये रहा, ये रहा 44 से 9, ये रहा, ठीक है, ग्राफ में हमारे पास हो गई पूरा लाइन से देगा। 46 से हमारा 14, 15 से थोड़ा सा कम होगा, ये रहा 46 से 14, ठीक है। हमारा कितना है 48 से कितना 28, 48 से इसकी लाइन में सीधा, इसकी लाइन में यहाँ पर लाइन नहीं है तो इसकी लाइन में सीधा मिला लेते हैं, कितना चाहिए हमें 28 यहाँ तक होगा, ठीक है, ये इसकी लाइन में 28, ये रहा, ये इसकी लाइन में सीधा हमें मिला था। 50 से कितना जाएगा, 50 से 50 वाली लाइन में चले जाते हैं, और 32 हमारे पास यहाँ आएगा, देखिए इसकी लाइन में 30, 32 यहाँ आएगा, ठीक है। और 52 से हमारा 35, 52 से ये हमारा चला जाएगा 35, एकदम इसकी सीधी लाइन में, चाहिए हमें सीधी की लाइन में, चला यहाँ से आएगा 50, ठीक है। ग्राफ पे हमें एकदम सीधी सीधी लाइन होगी, आराम से प्लॉट कर लेंगे। अब इसको हैंड फ्री से करना है ऐसे करके, ठीक है, ये नहीं स्किल से मिला लेना सबको, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला लेना है, ठीक है। अब हमारे कौन सा ग्राफ हो गया, लेस देन ओजी, हमें लेस देन ओजी बनाना था, जब भी लेस देन ओजी होगा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा ग्राफ हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसका प्लॉटिंग भी कर लेना, नाम भी लिख देना इसका, इसका क्या 38, 0, इसका कितना 40, 3, ये सही रहता, लिखना लिख देना चाहिए 42, 5, अब ये कितना हो गया 44, 9, ये हमारा कितना हो गया 46, 14, ये हमारा हो गया 48, 28, ये हो गया मेरा 50, 32, ये हो गया 52, 35, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये चीज़ भी लिखना जरूरी है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये लिखना भी ज़रूरी है। जब भी अभी हमारा ग्राफ क्या होता है लेस देन ओजी होता है तो अपर क्लास लिमिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे तो CF लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ये भी लिखना ज़रूरी है, नहीं तो इसके मार्क्स करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोला गया था, देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला था मीडियन निकालने के लिए भी बोला गया था, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बोला गया था कि हैंस ऑप्टेन, हमें ओजी बनाने के लिए हैंस ऑप्टेन द मीडियन, मीडियन निकालना है इसकी मदद से, मीडियन वेट। अब मीडियन वेट ग्राफ की मदद से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा इसका CF कितना आया था, CF मतलब ये लास्ट में CF 35 आया था, तो 35/2, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे N/2, यानी कि 35/2, यानी कितना आ गया हमारे पास 17.5। अब 17.5 यहाँ पे लेंगे और इसके लाइन में ऐसे करेंगे, टक्कर यहाँ पे होगी, फिर वो जहाँ पे भी यहाँ पे गिरेगा वो मेरा क्या हो जाएगा,
मीडियन हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी वो गिरेगा वो मीडियन हो जाएगा। कैसे, दोबारा देखो 17.5 है ये, 17.5 यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है, 17 यहाँ पे मेरा ये हो गया, 15 ये रहा, यहाँ पे इस 17.5 ग्राफ में तो पूरा दे रखा होगा, 17.5 से ऐसे चले आना, ये हो गया 17.5, इसके लाइन में ऐसे सीधा ड्रॉ ऐसे करके मिलाते हुए चले आना, डॉटेड लाइन से 17.5 से डॉट डॉट ऐसे मिलाना और उसको फिर ऐसे नीचे गिरा देना से, यहाँ पे जहाँ पे वो होगा वो यहाँ पे आ रहा है, वो लग रहा है जी, ये आपका मीडियन होगा। ये देखो यहाँ पे ये 46-48 है, तो बीचों बीच क्या होगा 47, यानी ये 46.5 आ रहा हमारे पास, ये जो मीडियन आ रहा हमारे पास, जो हमारा मीडियन होगा वो कितना होगा 46.5, मीडियन होगा 46.5। ठीक है, ये मेरा आधा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसने बोला था क्या ग्राफ बनाना, देखो है ना, हमें क्या लेस देन टाइप पॉजिटिव हमने बना लिया, और उस पर क्या हैंस ऑप्टेन द मीडियन, मैंने मीडियन भी कर लिया, उस पर कह रहा ग्राफ बना लिया, कह रहा वेरीफाई द रिजल्ट बाई यूजिंग द फार्मूला, और उसको मुझे वेरीफाई भी करना है, क्या करना है वेरीफाई फार्मूले से निकालना है, तो मुझे फिर से वो मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं लोग, ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन है, अब इसका हम बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि वो टाइम खिंचता चला जाता है इसके अंदर, यूट्यूब पे डालने के लिए वीडियो टाइम ज़्यादा लंबा नहीं लगाना चाहिए, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, हाथ से खींच लेते हैं लाइन, बाद में बना लेंगे, टाइम नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरा बॉक्स बन गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी एफ, ये इसको हम करते हैं इसको सी आई, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सी एफ की जो होती है, ये जब भी मेरा लेस देन वाला होता है, ये हमारा सी एफ होता है, 0 3 5 9 हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ही नोट करते हुए चलाएंगे, 14 28 32 35, इसमें क्वेश्चन में सी एफ दे रखा है। अब लेस देन क्या चीज़, लेस देन चाहिए, लेस देन किस से, 38 से लेस देन, देखेंगे तो हमारा दो दो का गैप आ रहा है, कितने गैप आ रहा है, दो दो का गैप आ रहा है, इसमें दो दो गैप है, तो मेरा कितना होगा 36 से 38, फिर ये वाले 38 से 40, लेस देन 40 में ये 40 से 42, दो दो गैप है, 42 से 44, फिर 44 से 46, 46 से 48, फिर 48 से 50, 50 से 52, देखिए हमारे क्वेश्चन में भी 52 तक, देखा 52 से लेस देन, 52 से ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एफ निकालना है, भाई ये सी एफ है तो ये हमारा 0 का 0 हो गया, इसमें से माइनस करते जाएंगे, 3 माइनस 0 2, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, और सॉरी ये तो 3 आएगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 14 में से 9 गया 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस ऊपर वाला माइनस कर देंगे 28 4, 35 में से कितने गया 32, ये कितना आएगा 3। अब आप इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास 35 ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका, अब हमें इसका निकालेंगे n/2 n/2, यानी कि 35/2, यानी कि कितना आएगा 17.5। अब हम देखते थे इसके अंदर 17.5 कहाँ कहाँ पे लाइक कर रहा है, 3 जैसी 4 आएगा वो यहाँ आएगा, 4 5 जैसी 6 आएगा यहाँ आ जाएगा, 6 7 8 9 तक यहाँ आएगा, जैसे 10 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, 10 11 12 13 14
14 तक यहाँ रहेगा, 15 जैसे आते हैं यहाँ 15, 16, 17 यानी वो इसमें लाई कर रहा है, हमारा वो इसमें लाई कर रहा है, मीडियन क्लास हमारे पास क्यों गई इसमें लाई कर रहा है, इसलिए मेरे जो हो गई मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या हो गई 46 से 48 हो गए मेरे पास। आप मुझे फार्मूले में किस किस की जरूरत पड़ती है, एल की जरूरत पड़ती है, एल मेरा 46 लोअर लिमिट एल, और क्या होता है मेरे पास एफ, एफ मेरा ये होता है एफ वाला, इसके लिए मैं ये एफ 14, सी एफ क्या होता है इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, सी एफ मेरा 14 हो गया, और एच की जरूरत पड़ती है, एच मेरा क्लास साइज होता है, इन दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, अब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन का फार्मूला क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब हम इसमें कर लेते हैं, देखेंगे तो L मेरे पास कितना है, L मेरा 46, N बाय टू मेरा 17.5, ये निकाल रखा था 17.5, माइनस में CF, CF मेरे पास कितना 14 है, अपॉन में F मेरा 14 इंटू में H, H मेरा 2। और आगे देखते हैं हम लोग, अब 46 हो गया प्लस में, इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना बचेगा ये 3.5, ये हो गया 14 हो गया इंटू में 2, 2 × 2 = 14, इसको काटेंगे तो 46 प्लस में 0.5, इसको काट देंगे 7 × 5 = 35, 0.5, अब हम इसको प्लस कर देंगे 46.5, हमारा 46 हमारा उससे भी देखो ग्राफ से भी हमारे पास कितना आता, ग्राफ से भी कितना आता 46.5, और हमारा इससे भी किसा फार्मूले से भी कितना है 46.5, तो हमारा जो वैल्यू था वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया, इसलिए वैल्यू ऑफ मीडियन इज वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये जो मेरा था, जो मेरा इससे आया ग्राफ से बन के आया मीडियन, और जो मेरा इससे आया वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों मेरा वेरीफाई हो गया, ये मेरा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था और ये मेरा वेरीफाई हो गया दोनों। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, जो भी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।